अफ्रीकन वाइल्ड डॉग और हाइना सवाना क्षेत्रों में पाए जाने वाले घातक शिकारी हैं, जो जंगल के राजा शेर से भी बैटल ऑफ में उलझने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो में आप शेर, हाइना, तेंदुआ, भैंस और चीता जैसे एनिमल किंगडम के बड़े शिकारियों को वाइल्ड डॉग से उलझते हुए देखेंगे। वाइल्ड डॉग्स को देखकर ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये जीव शेर जैसे जानवर से भी उलझ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चमकीले रंगीन पैटर्न के साथ इन जीवों को एनिमल किंगडम के सबसे बेहतरीन हंटर्स के रूप में देखा जाता है, जो अपने शिकार को पकड़ने में 80% सफलता हासिल करते हैं। ज्यादा देर न करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं आज की बैटल ऑफ वाइल्ड डॉग्स वर्सेस बफेलो। वाइल्ड डॉग्स यानी कि जंगली कुत्ते दुनिया के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक है, और हमारी अगली वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने लगेंगे। जंगली कुत्तों का झुंड जब किसी जानवर के पीछे पड़ जाता है तो उन्हें बचने का मौका ही नहीं देते। इस वीडियो में वाइल्ड डॉग्स का पूरा झुंड भैंस के एक छोटे से बच्चे को अपना शिकार बनाने में व्यस्त है। हैरानी की बात है कि आकार में बड़े होने के बाद भी इसकी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि कुत्तों के इस झुंड की संख्या एक या दो नहीं बल्कि 10 से 12 है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा झुंड किसी बेबी काल्फ पर टूट पड़े तो उसे बचाना माँ के हाथ में भी नहीं होता। इस क्लिप में मादा भैंस बच्चे को बचाने के लिए जरूर उसके पास आती है, लेकिन बच्चे की कोई मदद नहीं कर पाती। सच कहें तो जंगली कुत्तों के झुंड से लड़ना भैंस के झुंड के बस की भी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि बच्चे को बचाने के लिए कैसे बाकी भैंसे भी आगे आती है, लेकिन ये शिकारी हर दिशा से हमला कर रहे हैं। ऐसे में सभी हमलों को डॉज कर पाना काफी मुश्किल है। आखिर में इस माँ को अंदाजा हो जाता है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेबी काल्फ को शिकारियों के हाथ छोड़कर वो वहां से चलती बनती है, और कुत्ते बड़े मजे से बेबी काल्फ पर टूट पड़ते हैं। वाइल्ड डॉग्स अटैक वाइल्डबीस्ट। जिम्बाब्वे के बड़े मैदानों को आप वाइल्ड डॉग्स का घर मान सकते हैं। इस क्षेत्र में कुत्तों की संख्या ज्यादा है, और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ ये जीव शिकार करने में कभी असफल नहीं होते। आज इन जीवों का झुंड वाइल्डबीस्ट के शिकार पर निकला है। वीडियो में दिखाया जाने वाला ये शॉट हेलीकॉप्टर से फिल्माया गया है। इस फिल्म में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जंगली कुत्ते वाइल्डबीस्ट के पूरे झुंड पर हमला कर रहे हैं। हालांकि वाइल्डबीस्ट की तादाद कुत्तों से ज्यादा है, फिर भी इन जीवों में अपने शिकारियों को लेकर काफी खौफ बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आकार में छोटा होने के बाद भी वाइल्ड डॉग्स मिलकर काम करना जानते हैं। ये जीव शिकार को पकड़ने के लिए स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं और अपनी ताकत के बल पर छूटे हुए शिकारी को भी दोबारा पकड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही शिकार के पीछे कितने सारे कुत्ते दौड़ रहे हैं और उसे हर तरफ से बाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में ये शिकार उनके हाथ लग भी जाता है। कुत्ते के हमले से वाइल्डबीस्ट की स्पीड कम हो जाती है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस इम्पाला। वाइल्ड डॉग्स का ऐसा ही एक और हमला आप देख सकते हैं, जहां इस बार इन खूंखार शिकारियों का टारगेट एक प्रेग्नेंट इम्पाला है। ये वीडियो देखकर आपको इम्पाला की हालत पर तरस आ सकता है कि ऐसी स्थिति में उसे इतने संघर्ष से गुजरना पड़ता है। वीडियो में तालाब के पास जंगली कुत्ते इम्पाला को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे पानी से बाहर आने का कोई मौका नहीं देते। शिकारी कुत्ते जानते हैं कि आखिर में ये जीव पानी से बाहर आने की कोशिश जरूर करेंगे और तब इस पर हमला करने का सही समय होगा। जैसे ही ये इम्पाला नदी के किनारे आती है, वैसे ही ये कुत्ता उसे बाइट करके बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। आखिर में उसका साथी भी मौके पर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर इसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने आज के डिनर का स्वाद अच्छे से चख पाए। They took the meat from the cheetahs. कभी सोचा है कि जंगली कुत्तों के झुंड से दुनिया का सबसे तेज जानवर भी मात खा सकता है? ये क्लिप जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि अपने दुश्मन की संख्या ज्यादा हो तो वहां से खिसक लेने में ही भलाई है। अब जरा इस चीता को ही देखिए, जो इन शिकारी कुत्तों से इतना डर गया है कि अपना भोजन भी उन्हें देने को राजी है। सुनने में तो ये काफी हैरानी की बात है कि एक चीता कुत्तों के झुंड से डर रहा है। ऐसा ही एक और क्लिप हमें देखने को मिलती है, जहां जंगली कुत्ते बिना किसी वार्निंग के सुबह सुबह चीते के शिकार को चुरा कर ले जाते हैं। इस क्लिप में चीते की संख्या 3 है, लेकिन लगता है कि ये जीव सुबह सुबह वाइल्ड डॉग्स के झुंड से लड़ाई के मूड में नहीं है, इसलिए बड़ी आसानी से अपना शिकार त्याग रहे हैं। जंगल में बड़े जानवरों का भी इस तरह से डरना तब वाजिब है जब उनके दुश्मन की तादाद काफी ज्यादा होती है। ऐसे में भोजन से ज्यादा खुद की जान को बचाना ही समझदारी है। अ वेरी अनलकी इम्पाला। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो अगली क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं वो काफी दुखद होने वाली है।
वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई। कुछ ऐसा ही इस अनलकी इम्पाला के साथ हो रहा है, जो नदी पार करके किनारे पर पहुंचता है, लेकिन छोर पर जंगली कुत्ते बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में ये जीव वापस पानी में कूद कर दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वाइल्ड डॉग्स वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और मौके पर पहुंच जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए इम्पाला दोबारा पानी में कूद जाता है, लेकिन लगता है कि इस जीव की किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब है। तभी तो पानी में हिप्पोपोटामस भी इस जीव को मारने के इंतजार में बैठे हैं। खुद को बचाते हुए इम्पाला जैसे तैसे किनारे पर पहुंच जाता है, जहां वाइल्ड डॉग्स दोबारा इस जीव को मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। लगता है आज इम्पाला का धरती पर आखिरी दिन है। लाख कोशिश के बावजूद आज इस जीव का मरना तय है। दोस्तों, आगे क्लिप में इम्पाला पानी में कूदता है, जहां मगरमच्छ इस पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, और आखिर में कैटफिश इम्पाला को अपना भोजन बना लेती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह दुनिया का सबसे अनलकी जानवर है, जिसे मारने के लिए पूरी कायनात ही एक हो गई है। खैर, जब प्रकृति ही आपके खिलाफ हो तो क्या किया जा सकता है। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस हाइनास। वाइल्ड डॉग्स और हाइना के बीच की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। ये दोनों जानवर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुहाते। इन दोनों प्रजाति के बीच हमें अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर बैटल ऑफ्स देखने को मिलती है। खैर, इस क्लिप में यही हो रहा है। ये लड़ाई खाने को लेकर है, जहां वाइल्ड डॉग्स एक अकेली हाइनास पर भारी पड़ रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब दो जंगली कुत्ते अपने भोजन को बचाने की कोशिश करते हैं और दो हाइनास भोजन को वाइल्ड डॉग्स के नाक के नीचे से उड़ा ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों हाइनास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, फिर इन दोनों प्रजाति में लड़ाई छिड़ जाती है। हमारे पास अभी और भी ऐसी क्लिप्स हैं जो बताती हैं कि ये दोनों प्रजाति एक दूसरे से कितनी नफरत करती हैं और इनके बीच हमेशा ठनी रहती है। वाइल्ड डॉग्स अटैक्स वार्थॉग्स। वाइल्ड डॉग्स को वार्थॉग्स को भोजन के रूप में खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़े सुअर का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स को मिलकर काम करना पड़ता है और एक शातिर चाल सोचनी पड़ती है, जिससे ये जीव भाग न पाए। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा खतरा महसूस होने पर भी ये सुअर अपने बिल में छिप जाते हैं। लेकिन वाइल्ड डॉग्स भी इतनी आसानी से कहां हार मानते हैं। ये जीव उनका तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वो अपने बिल से बाहर ना आ जाए। हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं कि कैसे वाइल्ड डॉग्स का झुंड एक वार्थॉग्स पर टूट पड़ता है और इसे अपना भोजन बनाकर ही दम लेता है। रैबिट हेल्प। लगता है कि वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स मीट के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में 12 अफ्रीकन डॉग्स बिल में एक खरगोश की मौजूदगी को सूंघ लेते हैं और उसी वक्त जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में रैबिट को बाहर निकाल कर उसे दो हिस्सों में फाड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि ये शिकारी कुत्ते कितने खूंखार हो सकते हैं। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस लियोपर्ड। चीता तो चीता, लेकिन अगर लियोपर्ड भी वाइल्ड डॉग से खौफ खाने लगे तो ये काफी गंभीर मामला है। फिर आप समझ सकते हैं कि जंगल की दुनिया में कुछ तो अजीब चल रहा है। देखिए कैसे ये लियोपर्ड खुद को बचाने के लिए सूखे पेड़ की टहनी का सहारा लिए बैठा है, जबकि नीचे कुत्तों का झुंड उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा है। वाइल्ड डॉग्स एंड लायनेस। शेर जंगल का राजा होता है और शेरनी बैटल ऑफ को जीतने के लिए जानी जाती है। जब बात इनके बच्चों पर आती है तो ये पूरी दुनिया को तहस नहस करने का दम रखती है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां वाइल्ड डॉग्स का झुंड एक कब को परेशान करने पर तुला है। तभी शेरनी बच्चे को परेशान करने वाले कुत्ते पर झपट्टा मारती है, लेकिन उसके साथ ही शेरनी पर हमला करके उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तादाद में ज्यादा होने की वजह से जंगली कुत्ते शेरनी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मानना पड़ेगा कि शेरनी का बच्चा काफी समझदार है, जो सही समय पर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बच्चे की मां मुसीबत में आ जाती है। खैर, शेरनी को हराना इतना भी आसान नहीं है। ये जानवर अपने आप को बड़े से बड़े खतरे से डिफेंड करना जानती है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की कुछ खतरनाक बैटल ऑफ्स, जहां वाइल्ड डॉग्स खूंखार शिकारियों पर भी भारी पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि भारी तादाद कभी कभी बड़े बड़े शिकारियों को भी ताकत के मामले में पीछे छोड़ देती है। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट बैटल ऑफ किस जानवर पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।